गजराज जी, वेलकम टू द शो. जैसे हम बोलते हैं क्लास एक्ट, वी कॉल द शो क्लास एक्ट. और हम वी बीन टॉकिंग अबाउट डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया. मैंने आपके ज़्यादातर इंटरव्यूज़ देखे हैं और इनफैक्ट कल तक मैं सोच रहा था कि इतने गजब के लोगों को आपने यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है तो क्या मैं डिजर्व करता हूँ. बिल्कुल डिजर्व करते हैं. इनफैक्ट वी शुड हैव डन दिस मच अर्लियर. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी दैट आप आ सके. गजराज जी, आप करीब 24-25 सालों से एक्टिंग कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में. बैंडिट क्वीन के साथ शुरुआत की आपने, कई सारी ऐसी फिल्मों में काम किया है जो लोगों ने देखा है. ब्लैक फ्राइडे हो, तलवार हो, अक्स, दिल से, कई ऐसी फिल्में हैं. लेकिन ब्रेकआउट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, द ब्रेकआउट रोल, द फिल्म दैट पुट यू ऑन द मैप, वो थी बधाई हो, जो पिछले साल रिलीज हुई थी. आप 48 साल की उम्र में यू बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम, क्योंकि वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी. फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, एवरीवन रिकॉग्नाइजेस यू. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तब तक आई थिंक जब लोग आपको देखते थे, यू रिकॉग्नाइज बट आप प्लेस नहीं कर सकते. मतलब यू सीन द फेस, यू नो यू लाइक दिस फेस, बट इट वाज हार्ड टू पिन पॉइंट. और उसके बारे में आपने कहा कि आप यू सी योरसेल्फ एज बड़ी इलायची एंड और तेज पत्ता, यानी कि लोग पसंद करते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई इट बट यू डोंट ड्रॉ अटेंशन टू योरसेल्फ. बधाई हो कि सक्सेस के साथ क्या बदला, किस तरह से आपकी जिंदगी बदली, इफ इट हैज? देखिए राजीव, क्या मुझे ऐसा लगता है जैसे सिनेमा में फर्स्ट हाफ होता है और सेकंड हाफ होता है. कई बार फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होता है और आप बोलते हैं कि यार ये फर्स्ट हाफ में ड्रामा बहुत अच्छा जम गया, सेकंड हाफ थोड़ा सा वीक था, मज़ा नहीं आया, इम्पैक्टफुल नहीं था. लेकिन अक्सर ये होता है कि जब सेकंड हाफ अच्छा होता है तो इम्पैक्ट आ जाता है और अब फर्स्ट हाफ की जो कमियाँ हैं या उसकी जो मजबूरियाँ हैं उसको भूल जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेकेंड हाफ में जो हुआ है वो बहुत इम्पैक्टफुल हुआ है. बधाई हो कि होने की वजह से पिछले 20-25 साल में जो मुझे नहीं मिला, जो जो प्यार, जो जो एड्यूलेशन, जो तारीफ, जो रिकग्निशन नहीं मिली, वो सेकेंड हाफ में मिल गई और मुझे इसको इसे लेकर कोई शिकायत नहीं है. और ज़िंदगी पलट गई है, इसे कह सकते हैं कि बिफोर बधाई हो एंड आफ्टर बधाई हो. क्योंकि हम इंसान के तौर पे बेसिकली क्या चाहते हैं कि आपका जो, ऐसा नहीं कि आप खाली बुत बन के बैठे हैं और आपको लोग बोले कि अरे यार क्या बढ़िया बुत बना हुआ है, ये तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं रहा है, कमाल है. लेकिन आप जब कुछ करते हैं, पेंटिंग करते हैं या म्यूज़िक आप क्रिएट करते हैं, या राजीव मसंद जो फिल्म जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ के बारे में 5 लोग बात करें कि भाई राजीव, आपने वो जो सैफ का इंटरव्यू किया था उसमें वो जो क्वेश्चन किया था वो बहुत अमेजिंग था, या वो राउंड टेबल जिसमें रणवीर सिंह, आयुष्मान और अक्षय थे, उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें निकल कर आई. तो मेरे ख्याल से राजीव को वो बात बहुत बिल्कुल पसंद आएंगी. राजीव को जो मेहनताना मिल रहा है, जो जो फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है इन शोज को करने से, इंटरव्यूज को करने से, उसकी कीमत एक तरफ है बिल्कुल, और वो जो रिकग्निशन है और जो स्नेह है और जो तारीफ है वो एक तरफ है. तो उसी तरह से मेरे लिए भी वो जो एक चाह थी कि लोग पसंद करें, और जिसकी वजह से फेसबुक पॉपुलर है, करेक्ट, जिसकी वजह से लोग इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं कि लोग उनके कुछ किए को पसंद करें, करेक्ट, है ना, बिल्कुल. तो जब आप कोई पार्ट निभा रहे हैं, छोटा या बड़ा रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो मेहनत जाती है वो और वो कलेक्टिव मेहनत का आप हिस्सा होते हैं. किसी राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एडीज हैं 10, 12, 6, 8 जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं. जैसे वो जो कार रेसिंग में होता है ना, 10 लोग आके आपके व्हील चेंज कर रहे होते हैं, तो एडीज होते हैं उस तरह से आपकी हेल्प कर रहे होते हैं. तो वो जब ठीक हो जाए और उसके बाद उसको जो लोग एयरपोर्ट पे, बाजार में सब्जी खरीदते हुए लोग आपको नाम से पुकारे, गजराज आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो शायद उसकी जो खुशी है वो उसका कोई मुकाबला नहीं. राइट राइट. एक टैंजिबल तौर पर अगर देखा जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि ऑल्सो द रोल्स हैव चेंज्ड, द काइंड ऑफ ऑफर्स जो आ रहे हैं वो भी, मतलब
आई नो कि सिर्फ एक ही साल हुआ है एक ही लेकिन आपने ऑलरेडी मेड इन चाइना में काम किया अच्छा अच्छा सा रोल था फिल्म चली नहीं लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग कि आपको बिल्कुल अगेंस्ट टाइप कास्ट किया टीवीएफ के सेकंड सीजन में आप नजर आए बहुत ही मजेदार किरदार था वो नवाब का किरदार जो पास्ट में ट्रिपलिंग सॉरी टीवीएफ ट्रिपलिंग नवाब का किरदार था ही लिव्स इन द पास्ट वो पिजन्स उसके वो पालता रहता है लेकिन आई थिंक सबसे जो एक्साइटिंग जो इंटरेस्टिंग फिल्म नजर आ रही है वो है आपकी अगली फिल्म जो है शुभ मंगल ज्यादा सावधान जिसमें आप एक पिताजी के रोल में हैं जिनका बेटा ही कम्स आउट इज गे और वो अनाउंस करता है कि वो एक मर्द के साथ प्यार करता है आप एक होमोफोबिक फादर हैं जो नाराज होते हैं और ही कांट रैप हिज हेड अराउंड इट आपको क्या इंटरेस्टिंग बात लगी इस रोल में इस फिल्म में जब मुझे फोन पे बताया गया कि इस तरह का एक पार्ट है और इस तरह का एक सब्जेक्ट है जिस पे फिल्म बन रही है और आनंद राय जी के टीम में एक राइटर हैं वो डायरेक्ट करेंगे तो क्योंकि मैंने पास्ट में जितना इस तरह का सिनेमा देखा है वो या तो बहुत ज़्यादा बफूनरी में चला जाता है स्लैपस्टिक हो जाता है या बहुत सीरियसनेस होती है उसके अंदर या ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता है फिल्म मेकर कि देखो आप लोग गलत सोच रहे हो गे या लेस्बियन होने में कोई बुराई नहीं है ये और उसके जो तो आप क्या कर रहे हैं आप जो गे और लेस्बियन या जो इस तरह की रिलेशनशिप को लेकर जो ओपन माइंडेड है वो तो ओपन माइंडेड है राइट वो तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है और लेकिन जो आपकी बात नहीं समझते हैं आप उनको एलिनेट कर देते हैं आप उनको दूर कर देते हैं जब आप इस तरह से अपने अपनी अपनी स्टोरी को बनाते हैं तो मेरा खाली वही एक हल्का सा संकोच था कि क्या ये भी वैसा होगा अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं करना है मुझे ऐसी फिल्म का पार्ट नहीं होना जहाँ पर मैं ज्ञान दूँ मैं बताऊँ कि देखो भैया तो लेकिन जब मैं नरेशन पे गया और हितेश केवलिया जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने शुभ मंगल का पहला वर्जन लिखा था जी और इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने लिखा है और इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने नरेट भी किया और उसके अंदर एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो सेल्समैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे करेक्ट वो कहीं पर भी ये नहीं कर रहे थे कि उनका नजरिया ये नहीं था कि देखो मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ आपको ये फिल्म करनी ही करनी है आप कर लीजिए उन्होंने डिसीजन मुझ पर छोड़ा हुआ था राइट उन्होंने स्टोरी सुनाई मुझे बहुत पसंद आई उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी बधाई वो बहुत अच्छी हुई है आप एक्टर बहुत अच्छे हैं और इस फिल्म के अंदर अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी आप डिसीजन लीजिए और मन बन गया जी। आप जिसके साथ जर्नी करना चाहते हैं करेक्ट कि मैं 1.5 घंटा राजीव के साथ बैठना चाहता हूँ या नहीं बैठना चाहता हूँ क्या मैं इस डर से क्या राजीव पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड वो चीज पूछेंगे या बीच में उनके जो टीम के लोग हैं वो फोन पे बात कर रहे होंगे क्या होगा राइट वो एक्सपीरियंस तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है या चाहे 1 हफ्ते पहले से बात हो गई है हाँ ये इंटरव्यू तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है ये मुझे करना है तो उसी तरह से ये जो 2 महीने की जर्नी होगी और उस पर दूसरा ये कि हितेश है और साथ में आनंद राय है राइट कि जो कि कहानियों को बंबई के सेट से निकाल के करेक्ट छोटे शहर में ले गए बिल्कुल तनुवेट्स मनु रिटर्न रांझना और बड़ी खूबसूरत कहानियां उन्होंने बनाई हैं आपका मन करता है ललचाता है ना कि यार ये डायरेक्टर आपको अप्रोच करे तो समझ लीजिए कि ये वो था कि ये ऑडिशन होगा ये फिल्म कर रहा हूँ आनंद राय कुछ एक दूसरी कहानी कुछ सोचेंगे जी। तो उसमें मुझे पार्ट देंगे तो हर एक का एक एक, एक बहुत सारी चीजें आप जोड़ते हैं इससे मुझे क्या फायदा होगा करेक्ट करेक्ट इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या क्या फायदा होगा राइट कि एक तो मुझे एक अच्छी कहानी का हिस्सा बनने को मिलेगा आयुष्मान खुराना है इसमें नीना जी तब तक उनकी बात शुरू हो गई थी इनफैक्ट नीना जी ने स्टोरी जब नरेशन सुना तो मेरा जब वहा पोह था थोड़ा सा उन्होंने भी खत्म किया कि उन्होंने फोन किया कि गजराज जी तो मैंने नरेशन सुना है और बहुत गजब की कहानी है और आप सुनिए नरेशन ले लीजिए तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी समझ ने काम किया और मैं वो कर पाया क्योंकि दूसरी चीज ये थी राजीव कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल का हिस्सा हूँ एड फिल्म डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा
ये था कि 2-2.5 महीने का गैप लेना तो बहुत सारे मेरे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं करेक्ट वो मुझसे छूट जाएंगे शायद और ये तो वैसा कैसे फिल्में बनाते हैं जब आप जब वो भी रहता है आपका आपका जो एड कंपनी रहता है हाउ डू यू मैनेज टू टेक आउट फिल्में तो लगती हैं 2-3 महीने लग जाती हैं आपने अभी अभी मैदान की हाँ लेकिन बधाई हो में इतना टाइम नहीं लगा था एक स्ट्रेच में 15 दिन का शेड्यूल हुआ फिर 10 दिन का हुआ गैप था तो मैं मैनेज कर पाया यहाँ पर सीधा था कि मैं 40 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लकीली मेरे जो पार्टनर हैं सुब्रत रे उन्होंने बोला कि नहीं ये आपको करना चाहिए और उन्होंने भी बोला कि आनंद राय की फिल्म है right. और वो फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं और आपको मजा आएगा right. और तब तक हम लोग कुछ घूम फिर लेंगे Correct. कुछ छुट्टी मना लेंगे ऑफिस right. में तो वही हुआ और बीच बीच में छोटा मोटा काम हुआ पीपीएम वगैरह जिसको बोलते हैं और वो खत्म होने के बाद मैदान में इतना लंबा वक्फा नहीं है okay. वो 6-7 दिन का काम होता है फिर गैप आता है okay. तो वो मैनेज हो जाता है यू नो ट्रेलर शुभ मंगल ज्यादा सावधान का ट्रेलर देखकर गजराज जी ये लगता है कि माँ जो है नीना गुप्ता जो है वो शी कम्स अराउंड सूनर वो माँ है वो बोलती भी है मैं माँ हूँ मैं तो प्यार करूंगी बेटी से माँ हूँ माँ का दिल होता है माँ का दिल बाप का तो बैटरी चलते हैं The father takes some time to come around. Come around वो तो पता नहीं, but the father is still something that he has to wrap his head around. Could you relate to this character? क्या आप इस किरदार के साथ relate कर पाएं? आपके दो बेटे हैं. क्या आप उस तरह से काम करते हैं? Do you dig in? Do you ask yourself what would I do? Is that your process? Definitely, क्योंकि regular part नहीं है राजीव जी. कि आप दोनों ही पार्ट मतलब इनफैक्ट जो बधाइयों का पार्ट था वो भी उसके लिए भी मैं बहुत कॉन्शियस था कि यार ये इस उम्र में रोमांस बच्चा होना लोग किस तरह से इसको परसीव करेंगे क्या होगा और क्योंकि आप ये बोल रहे हैं मैं मुझे बोलना चाहिए कि वही तो उस फिल्म की खूबसूरती थी वो जो रोमांस था वो इतना ब्यूटीफुल था इतना अनयूजुअल था जी बहुत कम देखने को मिलता है अमंग सीनियर कैरेक्टर्स और वो जब आप पोएट्री रिसाइट करते हैं मतलब इट्स जस्ट जब आप उन्हें देख यू नो वन लुक इज इनफ समटाइम्स और वो गाने में जब आप उन्हें देखते हैं नीना जी को आई मीन सो ब्यूटीफुल बट यस तो वो जब वो चल रहा था तो अब देखिए ना कि मैं उम्र के इस दौर में 45 पार करने के बाद जब आप सोचते हैं 47-48 की उम्र में कि तो मेरी वाइफ जो है उन्होंने बोला कि आपको क्या परेशानी है आप रणवीर सिंह या रणवीर कपूर तो हो नहीं कि आपका करियर में कुछ इससे उथल पुथल हो जाएगी लोग बोलेंगे क्या रोल कर दिया अमित को आप जानते हो आपका जूनियर रहा हुआ है और अच्छी एडफेंस बनाता है वो कर लो आप तो वो एक राइट आप अच्छा हाँ मैंने कहा हाँ मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ खामखा में क्या हो जाए आपको लगता है ना पुअर ना हो जाए करेक्ट हालांकि आप ऑलमोस्ट रिजेक्ट करने वाले थे बधाइयों को एंड यू हैड अ लॉट ऑफ कंडीशंस अपेरेंटली फॉर अमित हाँ मतलब रिजेक्ट नहीं कहना चाहिए मैं एप्रिहेंसिव था कि मैं पहला तो डरा कि यार इतना बड़ा पार्ट मुझे मिल गया तो ये सही हो रहा है क्या ये मिडिल क्लास में एक जो थोड़ा सा एक आपके इथिक्स और वैल्यूज होते हैं ना कि सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मुझे इतने प्यार से अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है तो कहीं वो सारे प्रोज एंड कॉन्स उसने देख लिए हैं क्या राइट right. कि मैंने उसको बोला कि यार तेरे को तो बड़ा एक्टर मिल सकता है बड़ा स्टार मिल जाएगा तेरे को तू ये तो मतलब इसमें है दम है इसमें तो उसने बोला कि गजराज जी आप मेरे लिए बड़े एक्टर हो फिर मैंने कहा यार मैं डांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डाइटिस है और उसकी वजह से मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं रहता तो कोरियोग्राफर के कंट्रोल में क्या रहेगा तो डांस का उन्होंने बोला कि मैं ऐसा डांस करवाऊंगा ही नहीं राइट राइट मेरे लिए जरूरी है कि डायरेक्टर हैंडीकैप फील ना करे करेक्ट सेट पे कि वो बोले अरे यार हां 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 कि जैसे मैं एक एड फिल्म कर रहा था कुछ साल पहले उसमें एक कुछ खजाने की खोज हो रही है right. तो उसमें एक जंगल में जा रहा है एक आदमी और एक गड्ढे में गिर जाता है 6 फीट के जी तो जब वो गिरे एक्टर Correct. और खड़े नहीं हुए तो मैंने क्या हुआ तो उनको बैक इश्यूज थे right. तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि आपने इनसे बात नहीं किया था कि ये होगा तो उन्होंने बोला नहीं बोला था सर सब कुछ किया था ऑन कैमरा है हमारे एडवर्टाइजिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें बैटिंग करते हैं रिकॉर्ड पे रखते हैं तो मैंने उनको बोला कि सर आपने बताया क्यों नहीं सर क्यों किया आपने ऐसा तो बोला कि मुझे लगा कैमरा चीट हो जाएगा कर लेंगे आप तो वो अफसोस नहीं होना चाहिए डायरेक्टर को कि भाई मैं डांस नहीं कर सकता हूँ मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ तो ये
ऐसा नहीं कि मेरे नखरे हैं right. ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपके लिए ये लिमिटेशंस लिमिटेशंस हैं। तो अमित ने बोला right. मेरी खुशकिस्मती कि अमित ने बोला कि नहीं गजराज जी, आपको ये सब नहीं सोचना है right. आप जो परफॉर्म करोगे right. सीन करोगे मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और hmm. वही हुआ डांस सिक्वेंस वो जो शादी वाले सिक्वेंस में मैं बहुत नर्वस था कि यार ऐसा वो जब पूरा जब धीरे धीरे आपको रियलाइज होता ना कि पूरा गाना नीना जी और मेरे पर हो रहा है ये वाला पोर्शन करेक्ट बड़ा ऑड है मेरी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा जब मैं 20-25 साल का था तब नहीं हुआ अब ये 48 साल की उम्र में जाके हो रहा है ऐसा 25 साल आपने वेट किया फॉर द राइट रोल टू कम अलोंग हालांकि आपने कहा है कि आई वाज नेवर इन अ हरी और जब आता है तब आप anxious हो जाते हैं, you ask yourself so many questions, आप पूछते हैं कि am I deserving, am I going to, is this going to hurt the project? मतलब most actors would be overjoyed कि हाँ, and overjoyed कि finally अपना time आ गया। तो राजीव उसको ये कह सकते हैं कि उम्र के साथ आप realize करते हैं आपकी responsibilities बढ़ती हैं। Right. कि मुझे राजीव ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैं राजीव के इंटरव्यू में ऐसे ही जाके नहीं बैठ सकता मुझे देखना पड़ेगा कि राजीव के इंटरव्यूज होते कैसे हैं वो कैसे सवाल करते हैं ताकि मेरे लिए वो सरप्राइज एलिमेंट ना रहे अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट में ऐसे बैठेंगे लोग होंगे क्या आसपास क्या होना तो वो मेरे लिए अगर मैं 25 साल में होता तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ क्या बताओ कहाँ क्या करना है तो ये सारी शायद वो उम्र का तकाजा है कि एक एज के बाद आपको थोड़ा सा लगता है कि आप अपने फायदे के साथ साथ दूसरे के नुकसान का भी सोचते हैं कि वो गलत ना हो जाए तो हम बात कर रहे थे क्या क्या उस तरह का प्रिपरेशन रहा इस रोल के लिए शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जी तो शुभ मंगल के लिए जो पार्ट था वो अब मेरे दुनिया से अलग है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही एडमेंट है चीज़ों को लेकर तो मैं जिंदगी में क्या करता हूँ आपके पास उसका कोई एक क्या बोलते हैं उसका कोई एक 101 वेज टू डू दिस पार्ट ऐसी किताब अनफॉर्चुनेटली है नहीं right. तो आप लोगों से उनके तजुर्बे आप चुराते हैं right. उनके हाव भाव उनके सोचने का तरीका right. कुछ का सोचने का तरीका कुछ का बात करने का तरीका कुछ का खड़े होने का तरीका आप मिक्स करते हैं कि कौन जैसे तलवार में जो था वो कैरेक्टर करेक्ट वो मैंने एक कोई दिल्ली में एक पनवाड़ी था अच्छा उससे एक्वायर किया कि वो इस तरह के उसका तरीका होगा बोलेगा तो यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिश्तेदार है तो उनका जो रिजिडनेस था अपने फैमिली में अपनी बहू को नौकरी ना करने देने का रीजन वो जो रीजनिंग थी उनकी वो मेरे दिमाग में कही थी और उनकी जो और वो बहुत अच्छे इंसान है करेक्ट वो अपने परिवार के लिए बहुत बुरे हैं वो विलेन नहीं है जी वो शाकाल नहीं है करेक्ट ऐसा नहीं करते हैं वो नॉर्मल है करेक्ट मतलब स्टक है फिक्स्ड है लेकिन लेकिन वो उनके लिए शायद बेटे का नौकरी करना या बेटे का साथ समंदर पार जाना वो बिल्कुल नॉर्मल है right. लेकिन बहू जो कि पढ़ी लिखी है correct. जो जॉब करना चाहती है तो मुझे वो समझ में आया right. मुझे वो जो अंकल थे right. मैं उनका थोड़ा सा जो क्योंकि मैं मिला हुआ उनसे कई बार correct, correct. तो वो मुझे बड़े प्रिय हैं hmm. मुझे पसंद आते हैं लेकिन ये बात मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता right. क्योंकि उनके बेटे नहीं कर सकते उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं right. कर सकते तो ये मैंने उनसे थोड़ा सा चुराया जी. कि ये आदमी ऐसे बिहेव करेगा उसके लिए वो बेटे को बड़ा प्यार करता है राइट वो एक अच्छा हस्बैंड है अच्छा फादर है अच्छा बड़ा भाई है राइट जो चमन त्रिपाठी मनु ऋषि जो मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं करेक्ट हमारी बड़ी कमाल की बॉन्डिंग है जी जॉइंट फैमिली है जी इमेजिन कीजिए राइट राइट उसके बीच में ऐसा होता है और वो शंकर त्रिपाठी के लिए शॉकिंग है तो गजराज के लिए वो शॉकिंग नहीं है राइट क्योंकि गजराज की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की वजह से थिएटर की वजह से दोस्तों की वजह से करेक्ट एक एक्सपोजर है बचपन से ओपन माइंडेड नहीं था राइट ऐसा कह सकते हैं लेकिन आपको थिएटर या आपकी जो थोड़ी बहुत संगत होती है वो आपको सिखाती है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा होना चाहिए ओपन रहना चाहिए नए आइडियाज को लेकर करेक्ट तो वो शंकर त्रिपाठी के
के सोल में जाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक वायलेंट भी होता है. हाँ, ओके. अगर आपने ट्रेलर में देखा जी, हो जी. तो वो जो कार्तिक को को लठ मार रहा है, मेरे लिए वो बहुत, वो जो दो तीन दिन थे शूट के वो मेरे लिए बहुत तकलीफ भरे थे गजराज के लिए. करेक्ट, क्योंकि आप यू कुड नॉट रिलेट टू दैट. हाँ, मैं, मेरे लिए वो रिलेटेबल नहीं. लेकिन सोरी के लिहाज से और शंकर त्रिपाठी का जो, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बात सुनी नहीं रहा, तो वो फिर वायलेंस पे आ गया. ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर अग्रेसिव होता है. करेक्ट. यू नो गजराज जी, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें आपने कहा कि आप ऐसी जिंदगी के लिए प्रिपेयर्ड थे जहां मिरेकल्स नहीं होंगे, जहां ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा. आप कभी भी हरी में नहीं थे, यू वर नेवर इन हरी. आपने थिएटर किया, आपने कई सारे वेब शोज किए, ऐसे वक्त पे किए जहां अब तक बड़े प्लेयर्स आए भी नहीं थे. नेटफ्लिक्स और अमेज़न के पहले आपने किए थे, टीवीएफ के साथ आपने किए थे, डे विद आरडी शर्मा, फादर्स, टेक कॉन्वर्सेशंस विद डैड किए थे आपने, और बैंक बाजा बारात वायरएफ के साथ किया था जो बहुत बड़ी हिट हुई थी. नीना गुप्ता जी जिन्होंने आपके साथ काम किया बधाइयों में, उन्होंने कहा है, कई बार कहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होती थी क्योंकि क्यों अच्छे रोल्स नहीं आ रहे, क्यों हमारा वक्त नहीं आ रहा. क्या आपको ये हमेशा पता था, ये कॉन्फिडेंस थी कि अपना टाइम आएगा, या आप प्रिपेयर्ड थे कि अगर नहीं आए तो मैं इसमें खुश हूँ? देखिए, दो चीज़ें. एक तो मैं लोअर मिडिल क्लास में, मेरा बचपन, मेरी परवरिश हुई, और ज़िंदगी में उस समय बहुत जो बेसिक तकलीफ़ें होती हैं वो मैं उनसे गुजरा. कि एक वक्त ऐसा कि जो मेरे फादर साहब थे वो, उनके अपना जो जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई, नौकरी में, सरकारी नौकरी थी उनकी, तो खर्चा नहीं हो रहा था जी, खर्चा निकल नहीं रहा था. उसके लिए मुझे बहुत सारे जॉब्स शुरुआत करने पड़े उस दौरान से जी. तो वो सारी तकलीफ़ें देखी, और मैं अपने फादर साहब से जब उनकी कहानियाँ सुनता था उनके बचपन की, कि वो ऐसी कहानियाँ थी कि मेरे जो दादाजी थे वो शायद जब मेरे फादर 12 साल के थे तब गुजर गए थे, और गांव में जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया. एक बैल था तो मेरी दादी, एक बैल, एक में एक तरफ मेरे फादर, और वो खेतों की जुताई करते थे. तो ये कहानियाँ मैंने सुनी है जी. और उसके पीछे ऐसा, और रात में Right. क्योंकि दिन में औरत कैसे जाएगी खेत पे, correct. ये सारे लिमिटेशन थे. सन 50 के आसपास की बात होगी या 55 के आसपास की बात होगी, और उन्होंने इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी को आगे बढ़े वो, और अपने परिवार का पेट पाला. बाकी लग्जरीज, वेकेशन, वो तो आप भूल जाइए. right. तो जब आपके पास ये एक बैकग्राउंडर हो, ये सब चीज़ें हो, तो आप का जो फेरी टेल में तो विश्वास वैसे ही उठ जाता है. करेक्ट. आप करिश्मा या मैजिक नहीं ढूंढते हैं तेरे लाइफ में. तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेरे फादर की ज़िंदगी में गुजरा, उसकी वजह से मैं ये बड़ा, मुझे शायद शुरू से ये हो गया कि यह मैजिक नहीं होता लाइफ right. में, वो सिर्फ सिनेमा में होता है जी. कि ओवरनाइट लॉटरी निकलती जी. है, कोई दूर का रिश्तेदार आपको वसीयत में पैसे दे देता है, आपको एक ट्रेन के सीट के नीचे एक बैग मिलता है पैसों से भरा हुआ, वो सिर्फ सिनेमा में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है. तो वो चीज़ें आपको ट्रेन करती हैं. लकीली मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें कुछ उसे लेकर मुझे कुछ शिकायत भी नहीं है कि हड़बड़ी नहीं रही ज़िंदगी में. जब जो मैं कर रहा था अपने छोटे छोटे पेशे किए, मैंने अखबार में काम किया right. या गारमेंट क्विजिंग कर रहे थे आपने सिद्धार्थ बासु को असिस्ट किया था क्विजिंग में. वो हुआ ये राजीव, कि वो तिहाड़ जेल में क्विज था. आप वहाँ कंडक्ट करते थे इनमेट्स के साथ जेल नंबर 4 में. तो उसके लिए 10-15 दिन का पूरा प्रोसेस रहा, और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था कि पहली क्विज हुई किसी जेल में जी. तो ये सारे बहुत सारे, जैसे मैं वर्नाकुलर हूँ, हिंदी जबान मेरी ज़्यादा अच्छी है अंग्रेज़ी के मुकाबले, मैं अंग्रेज़ी समझ लेता हूँ. तो थिएटर करते हुए जैसे बहुत तकलीफ थी, पैसा वैसा नहीं होता, तो सिद्धार्थ बासु और रोज़ा बासु जो उनकी पत्नी है, उनके दफ्तर गया मैं एक बार कि मुझे काम की ज़रूरत है, पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे घर वालों को सपोर्ट करना है. तो उन्होंने बोला, यार हमारे सारे शोज तो अंग्रेज़ी में होते हैं, सारे क्वेस्ट क्या करोगे. लेकिन वो इतने अच्छे इंसान हैं वो लोग,
कि उन्होंने मेरे लिए जॉब क्रिएट किया. बोले अच्छा नहीं नहीं जो रोक जो ऑडियंस आती है ना तो उसके साथ इंटरेक्ट कर, तू थिएटर से है तो उन वार्म अप सेशन तू कर. राइट. तो ऐसे ऐसे करके जिंदगी में जब चीजें आती हैं तो ये मैजिक नहीं है. राइट. ये अर्ज है जहां पे जाके मैं नॉक कर रहा हूँ. करेक्ट. और मुझे अगेन नॉक करने में कभी शर्म नहीं आती. जी जी. भाई मुझे काम की दरकार है, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे मैं उधार में बिलीव नहीं करता हूँ. उधार लिया है जिंदगी में दोस्तों से, लेकिन बहुत कम लिया है. राइट. कि अब अपने बूते पे आप क्या अचीव कर सकते हैं. तो आई गेस ये पूरा जो जर्नी थी अलग अलग टेलर शॉप में काम करना दिल्ली में. अच्छा. गारमेंट एक्सपोर्ट में काम करना, तो उसने आपको अलग अलग लोगों से मिलवाया. राइट. तो जब आप अपने से ज्यादा तकलीफ वाले लोगों को देखते हैं तो आपको और प्रेरणा मिलती है कि नहीं, आपकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर है. आप Correct. इतनी खराब जिंदगी नहीं जी रहे. और एक्टिंग का जब प्रोफेशन शुरू होता तो 200-250-150 लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं जी, तब आप रियलाइज करते हैं कि ये ऐसे ही करना है क्या, पूरे महीने आप जाके ऐसे ही ऑडिशन दोगे और नहीं होगा क्या आपका. करेक्ट. एक्चुअली मैंने पढ़ा, आपने कहा कि आप मणिरत्नम की फिल्म के लिए ऑडिशन कर रहे थे, करने गए, प्रकाश झा, प्रकाश झा की फिल्म, आप ऑडिशन करने गए थे और होटल रूम में कुछ 300 स्ट्रगलर्स थे और तब आपको लगा कि इट वाज ह्यूमिलिएटिंग. हां, क्योंकि आपको कोई ह्यूमिलिएट कर नहीं रहा है. राइट. लेकिन आप भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं हो वहां पर, तो आप वही करना चाहते हो क्या. तो मुझे लगा कि यार, और आसपास मिरर्स थे, दोस्त थे जिन्होंने अलग अलग चीजें बताई कि गजराज तू लिखता अच्छा है, तेरी समझ अच्छी है राइटिंग में, किताबें पढ़ता है तो लिखना शुरू कर, तो एंकर स्क्रिप्ट्स या कुछ शोज बनने शुरू हो गए. तो आपने क्रिएट कर लिया एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल. हाँ, तो मुझे ऑप्शन, हाँ, मुझे समझ में आया कि मैं जिद करूँ खाली तो शायद वो जिद वाले लोग मैं देख रहा था आसपास जो बहुत बेचारगी की जिंदगी जी रहे थे. राजीव वही मंडी हाउस में सोते थे, बहुत सारा एडिक्शंस अलग अलग चीजों के लेकर, है ना. तो मुझे लगा मुझे ये रास्ता नहीं लेना है मुझे. गजा जी, मैं ये पूछ रहा था आपको कि क्योंकि ये सफलता, ये ओवरनाइट पॉपुलैरिटी काफी साल बाद आई है, मतलब काफी स्ट्रगल के बाद आई है, काफी सालों के बाद आई है, क्या आप इसको लेकर यू नो आर यू वेरी सॉर्ट ऑफ possessive of it, hungry for it, and आप पूरी तरह से उसे exploit कर रहे हैं, immerse कर रहे हैं, आई है इतने, you know, बहुत वक्त तक अगर आदमी भूखा है, या तो आप पूरी तरह से मतलब खत्म कर लोगे पूरा डिश, या आप सोचेंगे यार आदत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे पता है कि कितनी मेहनत से आई है, इसलिए आप शायद एडवर्टाइजिंग भी अभी भी आपने छोड़ा नहीं है. What is the right answer to that? मतलब आप बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन है राजीव. ये मुझे अभी पिछले एक साल में किसी ने नहीं पूछा इस तरह से. सरियल है ये जी. जो शुरुआत का जो 15 दिन था बधाई हो के बाद वाला, बधाई हो जिस दिन स्क्रीनिंग हुई थी 18 या 19 अक्टूबर को, जो तब तक मुझे नहीं एहसास था कि हम लोगों ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई है. जुहू PVR में जब उसका स्क्रीनिंग हो रहा था और जिस तरह से लोग अपने लोग थे, पहचान के लोग थे, हम हमारे दोस्त थे, अमित के दोस्त, मेरे दोस्त, आयुष्मान के दोस्त, अपार शक्ति खुराना, ताहिरा, उनके पेरेंट्स, ये सब लोग थे, तो तालियां बज रही थी एक एक मोमेंट पे, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर स्माइल आ रही थी, लाफ्टर आ रहे थे, सिसकियाँ आ रही थी. मैं फिल्म नहीं देख रहा था. Right. मैं ये सारे साउंड पकड़ रहा था, ग्रैब कर रहा था. Right. क्या हो रहा है. मैं खुद हंस रहा था, खुद मेरी आंखों में पानी आ रहा था. मेरे साथ मेरा परिवार था, फैमिली थी, फैमिली फ्रेंड्स थे 10-12. मुझे कोई नहीं दिख रहा था, कोई समझ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. मैं रोया, तालियां बजे. तो फिर आपको होता ना कि हाँ बज रही है, सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक हो गया ये, क्योंकि आपको तब तक किसी ने बोला नहीं है. राइट. क्या हो रहा है. फिर उसके बाद आयुष्मान ने गले लगाया, बाकी लोगों ने गले लगाया, लोग जब आपकी तरफ लोग बढ़ते हैं, वो जो मोमेंट है कि जो थिएटर में जो 250-300 लोग हैं टर्न करके आपकी तरफ देख रहे हैं. करेक्ट. वो मैं बयान नहीं कर सकता. उसका जो वो ट्रॉफी, किसी भी बड़ी ट्रॉफी, किसी भी बड़े अवार्ड से बड़ा अवार्ड है. राइट. तो वो जब हुआ तब
हड़का सा हुआ कि ये कुछ अलग हो गया. मैंने नहीं सोचा था, मुझे किसी ने बोला नहीं था कि ऐसा होने वाला है. और उसके बाद के जिन जिन लोगों का देखा, बड़े बड़े लोग मेरे एडवर्टाइजिंग में, सीनियर लोग, पीयूष पांडे या बाकी सीनियर लोग जितने हैं, उनके सबके मैसेजेस, फोन, जिन लोगों से सालों से बात नहीं हुई, रिलेटिव्स, रिश्तेदार जिनको मैं बहुत सालों से नहीं मिला हूँ, उन सबका जो अप्रोच, उनके मैसेजेस, उनकी जो बधाइयाँ आना शुरू हुए, तो उसके बाद हफ्ता 10 दिन का एक एक वक्फा था जब मुझे लगा कि हाँ अब तो सब कुछ खत्म है, मतलब यही हाँ। यही है, मतलब correct. हो गया, अब लाइन से मेरा यही होगा, वैनिटी वेन में मेरी जिंदगी गुजरेगी अब. तो फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि नहीं गजराज, मुझे ऐसे रोल जरूरी नहीं कि मुझे मिले ही मिले, हर पिक्चर ऐसी हो. स्क्रिप्ट आनी शुरू हो गई 15-20 दिन के बाद से मिलना शुरू हुआ. लेकिन लकीली मेरे जो दोस्त हैं आसपास, मेरी पत्नी मेरे लिए लाइफ साइज मिरर का काम करते हैं, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया कि अभी आपने खुशियां मना ली, अभी आप बैक टू रियलिटी आ जाओ कि ये सच नहीं है, ये रियल नहीं है. सिनेमा हॉल के फॉयर में कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर या बहुत बड़ा प्रोड्यूसर या बहुत बड़ा स्टार जब आपको गले मिलता है, वो रियल नहीं है, वो भ्रम है, वो मोमेंट है, उस मोमेंट पे वो चला जाएगा. आपके लिए अभी ज़रूरी है कि नेक्स्ट आपका काम क्या होगा और उस काम के थ्रू आप लोगों की जिंदगियों को कैसे छू रहे हो और कैसे अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो. बस तो वो मैंने 15-20 दिन खुशी मनाई, एक जोश में रहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे. और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है, अभी ये हो गया और अभी स्क्रिप्ट चूज करते हैं कौन सी करेक्ट. तो बहुत सारी स्क्रिप्ट सिमिलर थी, राइट. तो मैंने बोला तो होता है, मुझे, हाँ. मुझे फादर नहीं बनना है, राइट. मुझे फादर तब बनना इस है. बात को लेकर आप चिढ़ते हैं, आप हैं सिर्फ 49 साल के, मतलब शाहरुख, सलमान, आमिर, वो सभी आपसे बड़े हैं. हाँ. आप यू आर बीइंग कास्ट, मुझे मोर देन योर एज, एक दर्जन से ज्यादा जो जितने स्टार हैं सबके फादर्स के ऑफर आ चुके हैं मुझे. जीरो में शाहरुख के फादर का ऑफर आया था, मैं वो क्योंकि मैं बधाइयों में यानी किस में बिजी था, मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी था, तो मैं कर नहीं पाया. वो नहीं, अब कहीं नहीं थे और कहीं आया, राइट. मुझे उससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि वो मेरा बुरा नहीं चाह रहे, करेक्ट. वो एक वो मेरी तारीफ ही कर रहे हैं कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपको ऐसा काम दे रहे हैं. मतलब शाहरुख के साथ फिल्म मिलना या रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, वरुण धवन, इन किसी के साथ भी आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो बड़े फक की बात है. मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि गजराज तुमने बधाई बहुत अच्छी की है, अब हम वरुण धवन की जो अगली फिल्म है उसमें उसको नहीं ले रहे, आपको लेंगे हम, आप इतने अच्छे एक्टर हो, ये बहुत अनरियल है. करेक्ट. ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए जी. ऐसी गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए जी. तो मैं डेफिनेटली उस 50 साल के ब्रैकेट में जो एक्टर्स होते हैं, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, सतीश कौशिक या जो भी, मनोज पहावा जी, मैं उनके, अनु कपूर जी, रजत कपूर, ये दुनिया है हाँ. कि उसके आसपास वैसे मुझे पार्ट मिलेंगे. लेकिन अब मेरी चाहत क्या है कि अगर फादर है तो वो लॉयर हो, राइट, वो डॉक्टर हो, करेक्ट, वो कोई प्रोफेशन हो, प्रोफेशन हो, उसके फादर से ज्यादा कुछ डायमेंशन हो, करेक्ट. वो एक फिल्म जर्नलिस्ट हो जी, कि जो ऐसे इंटरव्यूज ले रहा है एक रेस्टोरेंट बैठ के जिसमें कैमरामैन बीच में बोलता बैटरी खत्म हो गई है, अरे यार निकलना है, लेट हो गया, एक्टर भी लेट आया. और फिर वो उसके बेटे के साथ या बेटी के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हो, राइट, राइट. खाली मैं फादर, मतलब फादर हाँ, वो उसमें स्टीरियोटाइप, वो क्लिशे है, हाँ, हाँ. मतलब कैरिकेचर ऑलमोस्ट, हाँ, लाइक कार्डबोर्ड. क्योंकि अगर मैं वही करूंगा तो फिर मुझे मजा आना बंद हो जाएगा, राइट, राइट. और मुझे मजा आना बंद होगा, मुझे मजा आना बंद होगा ना सर, आपको मजा नहीं आएगा, राइट. वो जो ऑडियंस है उसको मजा नहीं आएगा. पर क्या ऐसे लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल रोल्स लिखे जा रहे हैं खासकर सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए, क्योंकि लीडिंग मैन के लिए तो लोग लिखते ही हैं, क्या वो हो रहा है फॉर सपोर्टिंग एक्टर? मुझे लग रहा है हो रहा है जी, मुझे लग रहा है हो रहा है. जैसे अभी मैदान जी, मैदान में जो पार्ट है मेरा, आप एक न्यूज़पेपर एडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1950s का ब्राउन साहेब, राइट, जब अंग्रेज अभी गए हैं उसके बाद का एक भद्रलोक, राइट. तो उसमें जो मेरी बंगला जबान की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो काम आ रही है उसके अंदर.
तो वो उसका जो डायमेंशन है वो फादर नहीं है, वो फादर होगा लेकिन उसका परिवार दिखाई नहीं रहा अमित, वो रॉय चौधरी है, राइट, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है एंड वो अगेन अमित ने उसमें मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसने बोला गजराज जी आपको ये करना, करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि जोया अख्तर जी वो जिस तरह से उन्होंने गली बॉय में फादर करेक्ट विजय राज को जो आहा कितना खूबसूरत है, मतलब करेक्ट वो एक्चुअली उनकी फिल्मों में सब सब कैरेक्टर्स को तो मैं आपके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जोया अख्तर से, शकुन बत्रा से, रोहित शेट्टी से जी, इन तमाम लोगों से, कोंकणा से जी, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटे बड़े ऐसा नहीं कि मेरी लेंथ दो घंटे की होनी चाहिए, मेरी लेंथ अगर 10 मिनट की भी है रोल की मुझे मंजूर है, लेकिन उसका कुछ डायमेंशन होना चाहिए, उसको करने में मजा आए। थैंक यू सो मच गजराज जी, यू नो इस बातचीत से मुझे आई थिंक इट्स सच अ लवली एटीट्यूड, क्योंकि हम वी स्पेंड आवर एंटायर लाइव्स इन रिग्रेट, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये नहीं, टू लिसन टू यू टॉक अबाउट यू नो गेटिंग दैट, रिसीविंग दैट आफ्टर ऑल दैट वाइल एंड स्टिल बीइंग सो सॉर्ट ऑफ प्रैग्मेटिक अबाउट इट, आई फील लाइक आई बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद गजराज जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमेशा मनोरंजन देंगे आपकी बढ़िया परफॉर्मेंसेस के साथ। आई होप दैट यू नो वी फाइंड लॉट्स ऑफ लवली रोल्स फॉर यू, बिकॉज यू आर एन एक्टर हु इज जस्ट बीइंग डिस्कवर्ड। आई फील कैनॉट वेट टू सी व्हाट यू डू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव, आपने मुझे ये इस प्लेटफॉर्म में बुलाया, मुझे क्लास एक्ट नाम का शो है, हम बहुत सोच समझ के गेस्ट को बुलाते हैं। आई एम सो ग्लैड दैट यू कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।